दिल्ली के भव्य मंडपम में पीएम मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक टिकट और सिक्का भी जारी किया। मोदी ने कहा कि चुनाव के कठिन समय में ऐसे पवित्र कार्यक्रम में शामिल होना मन को शांति दे रहा है। मोदी ने कहा कि इस साल हमारे संविधान को भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं और इसी समय देश में एक बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव भी चल रहा है। देश का विश्वास है कि यहीं से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी। हमारे अनादि मूल्यों के प्रति, भगवान महावीर के प्रति युवा पीढ़ी का आकर्षण और समर्पण विश्वास पैदा करता है कि देश सही दिशा में जा रहा है। भगवान महावीर का ये 2550वां निर्वाण महोत्सव हजारों साल का एक दुर्लभ अवसर है। ऐसे अवसर कई विशेष संयोगों को भी जोड़ते हैं। ये वो समय है जब भारत अमृतकाल के शुरुआती दौर में है। देश आजादी के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम शताब्दी बनाने के लिए काम कर रहा है। मैं समस्त देशवासियों को महावीर जयंती के इस पवित्र अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब तो जानते हैं, चुनाव की इस भागदौड़ के बीच इस तरह के पुण्य कार्यक्रम में आना मन को बहुत ही शांति देने वाला है। इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। ये भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं सर्वम के लिए सोचता है। ये भारत ही है जो स्व की नहीं सर्वस्व की भावना करता है। ये भारत ही है जो अहम नहीं वयम की सोचता है। ये भारत ही नहीं जो इति नहीं अपरिमित में विश्वास करता है। ये भारत ही है जो नीति की बात करता है, नेति की भी बात करता है। ये भारत ही है जो पिंड में ब्रह्मांड की बात करता है, विश्व में ब्रह्म की बात करता है, जीव में शिव की बात करता है। साथियों, हर युग में जरूरत के मुताबिक नए विचार आते हैं, लेकिन जब विचारों में ठहराव आ जाता है तो विचार वाद में बदल जाते हैं और वाद विवाद में बदल जाते हैं। लेकिन जब विवाद से अमृत निकलता है और अमृत के सहारे चलते हैं तो हम नवसर्जन की तरफ आ